बीबी के गले में मंगलसूत्र और बच्चे के हाथ में बस चीता, यही बचा है। एक हफ्ते से बारिश हो रही है, पोछने के लिए कोई कुत्ता तक नहीं आया, हमें देखने के लिए कुछ होते वक्त कोई नहीं आता, पर जब हमारे पास कुछ नहीं है तब जो आते हैं वही भगवान है। अब हम इस मुश्किल की जिंदगी से कैसे निकले? आ गया हमारी जिंदगी बचाने वाला भगवान। कम से कम आप तो भगवान बन के आ गए हो मालिक। कोई भी यहाँ क्यों आएगा, इलेक्शन थोड़ी है। इलेक्शन में वोट की भीख मांगेंगे फिर जनता को भिखारी बना देंगे। मैं तो आ गया यहाँ किसी भी तरह, लेकिन बाकी एमएलए सब बैठे हुए सिटी में मजे ले रहे हैं वहाँ पर शहर के अंदर। मेहनत करने के बावजूद हमेशा आम इंसान के ऊपर इसी तरह की आपदा क्यों आती है? हम लोग यहाँ बगैर खाए पिए मेहनत कर रहे हैं और बाकी एमएलए शहर में याशी कर रहे हैं। पीड़ित जनता की मदद करने के बजाय ये लोग लाल बत्ती में घूमते रहते हैं। मोबाइल का पब्लिक को डाटा बांटेंगे लेकिन खाने के लिए आटा नहीं देंगे। भूख में तड़पती हुई जनता को मन की बात नहीं दो, उन्हें अन्न दो। जिनकी छत उजड़ गई है उनको आसरा दो। इनका ध्यान पब्लिक पे नहीं, पब्लिसिटी के लिए अखबारों पे रहता है। आर्थिक मदद से सहारा दो। सरकार किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रही। पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिलना ही चाहिए, ये पब्लिक का अधिकार है। हमारी आवाज सरकार को सुननी ही होगी। मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम भले मिट जाएं लेकिन इस सरकार का अहंकार मिटा कर रहेंगे। हफ्ते में यूनिफॉर्म को निकाल के आयरन करके संभाल के ब्यूरो में रख देने का। और वैसे भी इनके इस नारायण नाम के सामने रिटायर्ड नारायण कांस्टेबल नाम का एक मस्त बोर्ड रखने का। और भी क्या यार, एससी से लेकर एसपी तक सभी से अवार्ड लेकर रखे हैं। पुलिस वाला मुल्ले से अच्छा है। वैसे इन्होंने डिपार्टमेंट में सभी का दिल जीत लिया है। ये नाम काफी नहीं है क्या? हमें जो चाहिए वो नाम नहीं है, कैश है। पैसा चाहिए पैसा। सुनो जनार्दन, हमारे जाने के बाद पैसा पीछे नहीं आएगा। अरे करोड़ों रुपए अपने साथ हो तो कोई कैसे पीछे नहीं आएगा? अरे कांस्टेबल बोले तो सिंसियर 6'2" के नारायण, ऐसा इनका नाम है डिपार्टमेंट में। अरे ये रोड तो कभी बंद नहीं रहता है। जनार्दन राइट ले लो। अरे जनार्दन, ज्यादा पैसा पैसा करने से ना पैसे के पीछे आदमी मर जाते हैं, ऐसे नहीं मरने का।
अरे भाई ये कैसा प्लान बनाया है आपने? रिटायरमेंट हो तो तुम्हारे जैसा, लास्ट बॉल में 6 और पेंशन के बाद 20 करोड़ अंदर। सर ये है राजा। अरे नहीं है यार। अरे ये सब राजा लोग ही हैं सर। देखो घर गया तो सास भी कभी बहू थी, सीरियल को देखने की लत में रॉबिन हुड राजा को पकड़ दिया है, ऐसा पूछ रही थी आंटी। ट्रांसफर ले लेंगे कह के गया तो पहले पकड़ो बाद में निकलो, ऐसा मुंह पे फेंक रहे हैं कपड़े को ऑफिसर के लोग। इसके सावित्री की प्रमोशन के लिए लिंक, डी प्रमोशन के लिए लिंक, कहां से जाकर लाऊंगा राजा को? राजा को राजा, I want the most wanted Robin Hood Raja. ये लीजिए। थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं, वो तो पैसा चुराने वाला चोर है, मैं तो चोरों का चोर। अरे भाई अरे रुको। Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it, everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get a you classic. High, all the and dopamine the inside time. Triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked, her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by statement. Cause she got a bad little waist and
liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. अरे कौन हो तुम? अरे राइट टाइम पे रॉन्ग एंट्री मारा। शिवा, शिवा 24/7। 24/7? अरे ये क्या बता रहे हो तुम? तुम कौन हो? मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे 420 को पकड़ने के लिए ऑन ड्यूटी, शिवा इज 24/7। पुलिस, पुलिस? भाई ये मुझे क्यों पकड़ लिया? मुझे भी पकड़ लिया भाई। अब क्या कर सकते हैं? डोंट वरी। जैसा। कौन है ये बकरा? ए, जवाब दे। शिवा 24/7। मेरा नहीं, तेरा नाम बोल। राजा, रॉबिन हुड राजा। हाँ, रेडी? रॉबिन हुड राजा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेरा प्रमोशन कंफर्म है। सवास भी कभी बहुत ही आंटी। शिवा सर, यू डिड रियली गुड जॉब। इन्हें ले जाकर तुम फर्स्ट कोटिंग स्टार्ट करो। मुझे मिनिस्टर का बंदोबस्त है। यस सर। उसके बाद मैं आकर आकर डीपली जाता हूँ। अरे यार कुछ तो करो। ओके सर। कोटिंग रूटिंग में रहा तो बोर नहीं होगा क्या? कुछ भी करो, उसमें किक होना चाहिए। सर ले देकर इधर निपटा लेते हैं ना। पुलिस स्टेशन में जाने का क्या मतलब है सर? अरे डील, पुलिस स्टेशन जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सर सर, एक काम करते हैं, मिल बांट के प्रॉब्लम को यहीं निपटा देते हैं। सर हम तीनों में बहसबाजी करके कोई मतलब नहीं है सर, 40-60 डील कर लेते हैं सर। ओके सर, डील हो गया भाई। क्या बे, मेरे साथ ही डील कर रहा है? अब ये देख। ओ, अरे साहब को परेशान मत कर यार। सर डील ओके कर लीजिए ना सर। सिटी हो गया सर। हाँ सावित्री बोलो। तू किससे बात कर रहा है भाई? अरे सावित्री से। सावित्री से बात कर रहा है? क्या है बोलो सावित्री। यहाँ 2 glass खीर ऑलरेडी पार्सल है, अर्जेंटली स्टेशन जाना है माँ। सावित्री है क्या? सावित्री है ना? अरे सावित्री इतने प्यार से बोल रही है तो एक बार घर जाकर आने का ना भाई। मैं खुद डायना में हूँ। बोलो स्टेशन लेके जाऊँ या फिर घर? घर चलते हैं भाई। अबे बेवकूफ, स्टेशन यहाँ से 1/2 kilometer है और घर 6 kilometer है। टोटल 12। रेडी बॉयज। अरे धनलक्ष्मी, रोज रोज मैं ही उठाता हूँ, मेरे पीछे पड़ी है। अरे मेरे साथ क्या कॉक कॉक खेल रही है? कॉक 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 कॉक। अरे मेरा पीछा छोड़। मेरे साथ भिड़ रही हो? आज तो बिरयानी ही बना डालूंगी तेरी। मेरी भी बहुत बिरयानी खाने की इच्छा है, प्लीज मेरे लिए रखना। अरे ये क्या टॉर्चर है यार, घर के सामने कुत्तों की तरह बांध दिया है। अरे किस लिए चोरी का काम करते हो? 4 लोगों की मदद हो कुछ ऐसा काम करने का, गलत करके 4 लोगों का श्राप मत लो। सलाह दे रही है। खीर में मजा नहीं है भाई। भाई सुनो बेटा, इन लोगों को छोड़ दो बेटा, एक बार बोली तो घुट घुट के रो रहे हैं। माँ ये जो रोना धोना है वो तुम्हारी बातों से नहीं, प्याज की वजह से। माँ ये अगर तुम्हारे बोलने से सुधर जाते तो हर स्टेशन में ऐसा ही नहीं, तुम ही को अपॉइंट कर दिया होता। अरे बाप रे। सावित्री, सावित्री कितनी तड़ाकेदार लड़की है यार,
मुर्गी की तरह छेड़ के चली गई। ये इनकी पूरी फैमिली टेढ़ी मेढ़ी है क्या? हाई जंप फैमिली। या, यू आर करेक्ट। बिरयानी बनाना सिखाओगी क्या? हाँ हाँ सिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे मामा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह की मुर्गी का चिकन बिरयानी बनता है, इस बात को कब किसने पता लगाया? पागल। रोज इस तरह बिरयानी के नाम पे तुम जो कॉलेज छोड़ के यहाँ पे आ जाती हो ना, तुम्हारे पिताजी एक दिन मेरी बिरयानी बना देंगे। अरे मेरे बेटे, अगर उतना दूर तक गया तो मैं बात को संभाल लूंगी। सुपर बुआ जी एकदम मस्त। वैसे पापा कुछ नहीं समझते, मैं तो शादी करके मामा के साथ अपने बच्चों के साथ हैप्पीली रहना चाहती हूँ, बस यही सोच रही हूँ। यहाँ पे किसी को किसी की क्लैरिटी नहीं है सिवाय इस मुर्गी के। और कौन? सर जिस फोन का रिंग बज रहा है वो मेरा फोन है सर। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर। प्लीज सर दे दीजिए सर। सर प्लीज। क्यों, हाई कमांड से फोन आ रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, कोई अर्जेंट फोन भी हो सकता है ना सर, दे दीजिए ना सर प्लीज। भाई ड्राइविंग में कोई सेल्फी निकालता है क्या भाई? हेलो। अरे राजा, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ जाकर मर गए हो? माँ को लकवा गया रे, हॉस्पिटल में भर्ती किए, बहुत सीरियस है, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हेलो। अरे तुझे जो लेकर गया है वो कांस्टेबल बहुत सेंटीमेंट आदमी है, जैसा मैंने बोला है उसकी आंखों में अब तक आंसू आ गया होगा। भाई एक बार माँ से आकर मिल लेना, भाई जल्दी से आ जाना। ए, क्या गेम खेला यार, एक नंबर गेम खेला, मैं आता हूँ अभी। माँ कैसी है? राजा राजा एक बार माँ से मिलना है सर। राजा राजा बोलना, राजा राजा। अरे माँ बच्चों में इसके हाथ में बीड़ी देखकर कहाँ फूटती थी, और अभी हथकड़ी देखेंगे तो उसका दिल फट जाएगा। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको, खोल दीजिए हथकड़ी। साहब छोड़ दो मेरे यार, माँ इधर आ। अरे मुझे जाके माँ से मिलना है, छोड़ दे मुझे। हाँ निकलो चलो। माँ को कुछ नहीं होगा, तुम आराम से जाओ। थैंक यू। ठीक है भाई, मेरे भी हथकड़ी को निकाल दो भाई, मैं भी अंदर जाऊंगा। बैठो। माँ है भाई, माँ है, माँ है भाई। अब बैठो भाई, अब बैठो। वो बिल्कुल मेरे जैसी है, देखा जाए तो उसका प्यार ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है वो। हाँ भाई सेम टू सेम। मुझे भी जाने दो ना भाई, मैं भी देख लेता हूँ भाई। माँ तुझसे मिलना चाहती है भाई। मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुको, मुझे खोलने दो। ऐसा चेहरा लेकर मिलने जाओगे? अच्छा हो या बुरा, अब तो ऐसा ही है भाई। नहीं रुको तुम, ये लो आंसू पोछो। थैंक्स भाई, थैंक्स भाई, थैंक्स। इस तरह के हरामखोर लोगों को भी माँ का प्यार दिया है भगवान। हेलो 24/7, क्या बात है इधर? राजा की माँ को हार्ट अटैक आया है, फ्रेंड के साथ अंदर गया है। हेलो, बोर्ड नहीं देखा क्या? ये तुम्हारी माँ का हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों का हॉस्पिटल है। हा? ये जो मदर सेंटीमेंट है, ये सब चीजें नहीं चलेगी डिपार्टमेंट में। जब ड्यूटी ज्वाइन किए तभी मैंने तुम्हें फर्स्ट डे बोला था। सर, मुझे एक चांस दे दीजिए। नो मोर डिस्कशन, यू आर डिमोटेड। ये रॉबिन हुड राजा, माँ का नाम लेके मेरे भरोसे से खेला। माँ कसम अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा ओनर जो है वो वेजिटेरियन खाना खाने के अलावा नॉन वेज नहीं खिलाता है, मुझे पता है, इसीलिए आज मैं स्पेशल खाना नॉन वेज लाया हूँ, समझे? मेनू क्या है ऐसा पूछ रहे हो? एक काम करो, स्टार्टर खाते रहो, मैं मेन मेनू लाता हूँ। ओके ये लो चिकन लेग पीस तुम्हारे लिए, खाओ। पूरा घर खाली है, मतलब मेरा लग काम कर रहा है। अरे 6 महीने पहले मुझे देखकर इंप्रेस होकर हमारे ही घर में चोर बनकर आया है। जल्दी जल्दी लेके यहाँ से फटाक से निकल जाता हूँ, अपना काम तो हो जाएगा। बहुत पैसे हैं। उस साड़ी के नीचे भी रखा है, देखो। जूता जब याद हो जाला रे, चैन कदर खो जाला रे। जूता जब याद हो जाला रे, चैन
से अखिया जगले भी दिल मुर्दिन जतिया सावन जैसे बरसे अखिया जगले भी दिल मुर्दिन रतिया तीर दिल के पार हो जाला रे छेना करार खो जाला रे जूता जब यार हो जाला रे छेना करार खो जाला रे जब साथ सनम से छूटेला सीसा जैसन दिल टूटेला जब प्यार के रोग पकड़ लेला दुनिया में केहू न पूछेला अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा अदालत लगी हो भले ही तेरे मोहल्ले में पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा जब साथ सनम से छूटेला सीसा जैसन दिल टूटेला जब प्यार के रोग पकड़ लेला दुनिया में केहू न पूछेला सुना संसार हो जाला रे अब प्यार से हमारा डर लागे टूटल जाता रिश्ते नाते छब दाग लगे दामन पे दुनिया पीछे पीछे भागे कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते आगे दूर जाने की क्या जरूरत थी बस रह के ही रुला देते बस रह कर ही रुला देते निशागर सागर समा पधा निशान पधा निशान अब प्यार से हमारा डर लागे टूटल जाता रिश्ते नाते जब दाग लगे दामन पे दुनिया पीछे पीछे भागे मोनिस के कुछ न बुझाला रे छेना कढ़ा खो जाला रे जूता जब याद हो जाला रे छेना कढ़ा खो जाला रे सर मैं गाना गाता हूँ तो मेरा प्रेशर नहीं आता सर थोड़ा समझिए सर सर प्लीज सर जाने दीजिए सर कहाँ है तू कहाँ है तू नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा तू आ गई तो भी मैं मर जाऊंगा कहाँ है तू कहाँ है तू ए गाना क्यों बंद हो गया सर वो गाने के रेगुलर टच में नहीं हो ना तो लिरिक्स भूल गया हूँ सर ओके ओके ठीक है ए फिर से गाना चालू कर ठीक है सर आ जा तू आ जा तू कहाँ है तू सर गाना रुक गया सर लिरिक्स याद कर रहा होगा ओके अरे बाप रे बाप ये तो ड्रेनेज में कूद गया ए रॉबिन हुड राजा तू किसी ड्रेनेज में ही नहीं किसी नाले में भी कूद जा तो भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा जय बाबा
बाबा बाबा आखिर में प्रकट होकर दर्शन दे दिए। मैं बाबा लगता हूँ, मतलब कोई भी खड़ा हो जाएगा तू बाबा बोल देगा। रुके, फूल मत फेंकिए आप। बाबा अगर दिख जाएं तो उनके सामने गाना नहीं गाना, पूजा करना उनकी, लेकिन मैं बाबा नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हो बेटा? अरे मैं तो कूद के चेक कर रहा था सुरक्षा के लिए। मैं बाबा का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, बाबा तो अब आते ही होंगे। मैं तो रूट क्लियर कर रहा था, ये मेरा काम है। अरे बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। आई एम शिवा 24/7 पुलिस। राजा, इस बार भी तू बच के निकल गया, तुझे एक और चांस नहीं दूंगा। से बात हो गई है पापा, 2-3 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे। मैं एकदम ठीक ठाक था, इस बेड पे ना पड़ा होता तो अच्छा होता। जल्दी से डिस्चार्ज करवाओ। ठीक है पापा, डॉक्टर राउंड पे गए हैं, मैं जाकर पता करता हूँ। कैसी हो तुम? अभी मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, चलना तो दूर, अब मैं अच्छे से दौड़ भी सकती हूँ। थैंक्स भैया। थैंक्स तुम मुझे मत बोलो, हाँ उनको बोलो। तुम्हारी ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उस आंटी ने दिए हैं। चोट लग के उसके पाँव में सेप्टिक हो गया था, अगर 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट ना किया तो उसका पैर काटना पड़ सकता है। वो लड़की वही थैंक यू बोल रही थी, तुम्हारी वजह से आज उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैं ड्रॉप करता हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज के लिए। हाँ चलो ड्रॉप करता हूँ। नो थैंक्स। अरे बहुत बड़ा चोर है ऐसा मैं समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं खड़ूस हूँ ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन इसके अंदर भी एक नरम दिल है। कमाल की यार, समझना कितना मुश्किल है ना। पहले मैंने तुम्हें कहा था, तुमने उं करके मना कर दिया, अभी तुम खुद चल के आई, बोल भी मुझे ड्रॉप कर दो। ए भगवान, तुम लड़कियों को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे अरे हाथ रखो, क्या क्या सोचेगा? अरे कुछ नहीं सोचेगा। सेलेक्ट हो गई हूँ, आने वाले 28 तारीख को मैं मुंबई जा रही हूँ।
अरे कहाँ जाओगे तुम लोग, मुझकर कहाँ निकल जाओगे? तक मैंने कितनी डकैती किया, कितने लोगों को मारा भी है मैंने, अभी तक मुझे ढूंढ निकालने वाला कोई नहीं था। ऐसे में 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके तूने मुझे ढूंढ निकाला। सच में यू ग्रेट, मेरे इस चेहरे को देखने वाला तू पहला इंसान है और आखिरी भी तू ही होगा। बनाया हुआ किला है, इस किले को भेद कर मुझे मिटाने की कोशिश करने की तुझे सजा मिलेगी। 25 करोड़ डकैती के केस में बच के निकलने वाले 2 लोग हैं, उनमें से एक मैं हूँ और दूसरा ये हेड कांस्टेबल नारायण, उसी ने कोशिश की है इस केस को फाइल करने की। कब हम मंदिर जाकर आएंगे जी? कल। हाँ कल तो बहुत काम है यार। कामकाज तो चलते रहता है, पहले इसे बहू बनाने का काम कीजिए। अरे करता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, ऐसी शादी करूंगा इनकी। गुड मॉर्निंग सर, डिस्चार्ज होके अभी अभी आ रहा हूँ सर। तुम्हारे चार्ज शीट को रेडी करके अभी भी आ रहा हूँ, चल। मेरे ऊपर चार्ज शीट? सर ये क्या कर रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, छोड़िए। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर रुको, रोकिए इनको। मेरे बाप को हाथ लगाता है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे बेटा सर छोड़िए सर। सर वो मासूम है सर, उसे छोड़ दीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर, वो कुछ नहीं जानता है सर। तुम्हारे पिताजी को किस लिए अरेस्ट किया हूँ ऐसा पूछा ना? तुम्हारे पिता ने गरीबों का करोड़ों रुपया लूटा है इसलिए। मेरे पिताजी को छोड़ दो। हमारा यहाँ अभी रहना सेफ नहीं है, पूरे फुलजड़ी को हैदराबाद भेजकर हवाला में भेजने का इंतजाम करो। मामा जी। पापा। अरे मैं तुमको कब से समझा रहा हूँ कि इस पुलिस वाले पे भरोसा मत करना, उसकी भरपाई अब तक मैं कर रहा हूँ, तुमको दूर रखकर परवरिश कर रहा हूँ। इसके पिता ने गरीबों के पैसे को लूटा इसलिए तुम्हारे पिता अब तक जेल में बैठा है और तुम यहाँ पे रोमांस कर रहा है। थू, अगर मैं अपनी बेटी के साथ देखा तो ये मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का लड़का है। Thank you.
दिन मेरे पिताजी के साथ साथ सबको काट दिया, लेकिन वो लोगों ने सिर्फ तुझे अकेले को छोड़ दिया। सच सच बोल, नहीं तो तुझे मार दूंगा। अगर झूठ को सच में बदलने की कोशिश की तो सच में जान से मार दूंगा। नमस्ते भाई। नमस्ते, आ जाओ। सब कुछ ठीक है ना? ओके। भाई पैसा लेके वो कुछ सोने के बिस्किट देगा, मुझे लगा ये किस तरह की स्कीम है भाई। अरे ये दिवाला नहीं, हवाला है। हम इस पैसे को ले जाकर उसको देंगे जिससे मिलकर आया हूँ। हमने जो इधर दिया है उसका 20 करोड़ वो लोग वहाँ देंगे। तो किसी को भी दे देगा? किसी ने दिया भी होगा तो मैं दे दूंगा। उनको तो सिर्फ खबर चाहिए, खबर। ये सिर्फ सदा कवर नहीं है, 25 करोड़ संभाल के। मिस हो गया तो बस उतना ही समझ लो। सारे पैसे मेरी जनता को ही मिलेंगे। मैं बहुत बड़ा चोर हूं, जितना बोलता हूं उतना ही कर। उधर चल इधर। अगर मुझे किसी ने भी चेज किया और काउंटर रिएक्शन देने की कोशिश की तो अब भी इसको यही मार दूंगा। अगर अब भी तुम लोगों में दम है तो आओ, बढ़ाओ अपना पैर आगे, बढ़ाओ। चल तू मेरे साथ। अटैक करने के ऊपर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अटैक करने के लिए हथियार नहीं, एनर्जी चाहिए। वो हिम्मत मैं लेके पैदा हुआ हूँ, समझा? तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मेरे गले पे चाकू रखते ही तेरा पूरा वक्त शुरू हो गया। अब तू अपने आप को कैसे बचाएगा, इसके बारे में सोच। तुझे कौन बचाएगा वो सोच। डिस्कशन नहीं चाहिए, ये कोई डिस्कशन की जगह नहीं है। जितना बोल रहा हूं उतना कर, चल। कि तुम मेरे हाथ नहीं आओगे, ये तुम्हारी भूल है। मुझ पर गन ताने का इतना घमंड बढ़ गया तेरा? अरे गन मेरे पास है, तो मर्द भी मैं ही हूँ। दे दो दे दो दे दो, मुझे कवर दे दो। ए राजा, उस कवर को दे दो। दे दूंगा भाई, लेकिन पहले इसने जो मेरा हुलिया बिगाड़ा है, पहले उसका रिवेंज तो ले लूं मैं। राजा नाटक बंद करो, उस कवर को दे दो। मां कसम मामू, समझ नहीं पा रहा हूँ इससे तेरा क्या काम। राजा बहुत हो गया, आप इज्जत से कवर दे दो। मामू मेरे और इसके बीच आप इंटरफेयर करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैंने पूछा तो उसका लॉजिक नहीं आपके पास, और इतना टेंशन लेके ये गन आप इसकी तरफ दिखा के ये कवर तुम मुझसे मांग रहे हो। मामू आपका प्लान तो मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। हाँ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेंगे। थैंक यू। वो जो लेकर जा रहा है वो कवर नहीं, करोड़ों रुपए। मामू प्लान सक्सेस, थैंक यू। हाँ अरे राजा, तेरे भरोसे मैंने प्लान किया तो कुछ भी मुझे नहीं मिला।
जो भी तुमने खून खराबा किया है उसमें सब में मैंने सहायता किया है। प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज सर। चलो यहां से, वो कवर लेके ज्यादा दूर नहीं निकला होगा, उसे जल्दी पकड़ना है, चलो। हे शिवा सर, मैं जानता हूं मैं बच नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बचाऊंगा। अगर तुम्हारे पिताजी को बाहर आना है तो अभी हमें जाना होगा डॉक्टर के पास, नहीं मजिस्ट्रेट के पास। सुनो शिवा सर, यूनिफॉर्म पहनने के बाद चाहे मुझे कितना ही आदमी सैल्यूट मारने दो, लेकिन जब भी तुम्हारे पिताजी सैल्यूट मारते हैं तब मेरी यूनिफॉर्म की कुछ इज्जत मर्यादा से भर जाता है, समझो शिवा। सर 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 चलो। अरे यार, ये कहां से फोन कर दिया? नमस्ते पप्पू भाई। अरे एमएलए साहब, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ भाई। मुझे वो 25 करोड़ कब देने वाले हो? भाई पैसा रेडी है, आपका पैसा रेडी है, मैं खुद मुंबई लेकर आ रहा हूँ। कराओगे या किसी के हाथ पहुँचाओगे? मुझे बहाना नहीं, मुझे पैसा चाहिए। साले बचकुंडे ने वाट लगा दी। उस कवर को जो लेके आया उसका नाम राजा है, वो कहीं भी नहीं मिला। साले निकम्मा, हराम और निकम्मा कहीं का। शेर को छेड़ा है, पैसे नहीं छोड़ूंगा। ए, तूने दुश्मनी किसी राम रेड्डी से नहीं, एक राक्षस से की है। लगता है बहुत रफली डील किए हो। उस रिजल्ट को आना है तो जरूर करना पड़ेगा ना भाई।
पुलिस को फसल में इस्तेमाल किया ही नहीं। बहुत लोगों से इस्तेमाल भी किया हमने। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता क्या? आप भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। ऐसा है? मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? काम को छोड़ते हुए अंडरवियर पहना हुआ और लोशन लगा हुआ उसमें काली निरोध पैकेट जिसने उस बैग को चुराया था याद आ गया भाई। अरे उस माल की कीमत क्या है पता है? 50 लाख है। ढूंढ कर पकड़ कर लाओ। अगर नहीं ला पाया तो फिर देखना, तुम्हें मार के गाड़ के रख दूंगा। समझ गया तू? तुम्हें गाड़ दूंगा सच में। चल तो फिर भी टाइम पास के लिए होगा, ये हुई ना बात।
अरे यार तू यहाँ भी आ गया। ए, इस पूरी दुनिया में तू चाहे कहीं भी चला जा, शिवा 24/7 360 डिग्री तुझे हर जगह दिखेगा। पुलिस पुलिस, कहीं भी आ जाऊंगा। स्टिल चेसिंग हा? अरे तू सिंपल सा कांस्टेबल हो के तू मुझे इतनी दूर चेस कर रहा है क्यों? तू मुझे अरेस्ट करके प्रमोशन लेना चाहता है, एसआई बनना चाहता है क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है? ए, ओवर एक्टिंग मत कर। इस बार मैं तुझे पकड़ने नहीं आया हूँ, इस बैग को लेने के लिए आया हूँ। अरे बाप रे, इस बैग को वहाँ पे रख के चुपचाप यहाँ से निकल जा। अबे 100-200 के नोट नहीं है इसमें, करोड़ों रुपए हैं, और मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तेरे लिए? तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या अपनी तरह? हाँ आजा आजा, पकड़ ले मुझे। ए राजा रुक, ए राजा, ए राजा रुक, इज्जत से बोल रहा हूँ। ए राजा रुक, ए रुक, ए बीच में आकर मलाई खा के चला गया। छे, सब तेरी वजह से हुआ है। मुंबई की ट्रेन में चढ़ा है, मुंबई कहां जाकर ढूंढेंगे उसे? अरे एक बात बता, मुझे डाउट है, इस सब फिक्सिंग में तेरा हाथ है ना? अरे अपना पुलिस का दिमाग लगा रहा है, अब देख मुझे। Hey!
यस, मिल गया। ये पुलिस तो दिमाग वाला निकला यार। जो सुराग मिला है वो इसके पॉकेट में है, मतलब इसको फॉलो करना ही सही रहेगा। हेलो भाई, हेलो, वो मुंबई, उसके लिए ट्रेन आएगी, मुझे जाना है अर्जेंट। क्या बात है, पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? मैं पुलिस वाला हूँ, शुभ 24/7 मुंबई। बॉस, नेक्स्ट ट्रेन तो सुबह 7 बजे की है। जूता जब याद हो जाला रे, चैन का धार खो जाला रे, हाँ जूता जब याद हो जाला रे, चैन का धार खो जाला रे, सावन जैसे बरसे अखिया जगले भी दिल मुर दिन रतिया, सावन जैसे बरसे अखिया जगले भी दिल मुर दिन रतिया, तीर दिल के पार हो जाला रे, छैन करा साथ सनम से छूटेला, सीसा जैसन दिल टूटेला, जब प्यार के रोग पकड़ लेला, दुनिया में केहू न पूछेला, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, अदालत लगी हो भले ही तेरे मोहल्ले में, पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा होगा। जब साथ सनम से छूटेला, सीसा जैसन दिल टूटेला, जब प्यार के रोग पकड़ लेला, दुनिया में केहू न पूछेला, सुना संसार maya 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 अब प्यार से हमारा डर लागे, टूटल जाता रिश्ता नाते, जब दाग लगेला दामन पे, दुनिया पीछे पीछे भागे, कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते, कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते, अरे दूर जाने की क्या जरूरत थी, बस रह के ही रुला देते, बस रह कर ही रुला देते, निशागर सागर समा पधाने सारी पधाने सा, अब प्यार से हमारा डर लागे, टूटल जाता रिश्ते नाते, जब दाग लगे दामन पे, दुनिया पीछे पीछे भागे, मन के कुछ न बुझाला रे, छैन खो जाला रे, हाँ जूता जब याद हो जाला रे, छैन खो जाला रे। शेयरिंग करना ठीक नहीं है।
है, समझ रहे हैं ना? Try to understand. इसको ऐसा लग रहा है कि हमारे बैग में 25 करोड़ रुपए। अरे भाई तू इधर आना, तू मेरी बात सुनना। हाँ बोलिए बोलिए। भाई तू देख रहा है ना, हम कितने जेंटलमैन आदमी हैं। हमारे पास कैश है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब डॉलर में है। ओह शिट, अब हमें जाना है मुंबई। तू अगर हेल्प कर देगा तो अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कैसी प्रॉब्लम है? नहीं भाई नहीं, भाषा छोड़ो ना, अब प्रॉब्लम बताओ। वो क्या है ना, अभी आपको मुंबई जाना है, वहाँ जाने तक आपका खर्चा, खाना पीना, दारू सिगरेट वगैरह वगैरह। डन, आई टेक केयर, डोंट वरी। अभी आपको मुंबई जाना है ना, तो मैं जाके गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, तब तक आप जाकर यू कंटिन्यू विद योर वर्क, आई जस्ट बैक। ओके, तब तक आप गांव देखते रहिए, मैं लेकर आता हूँ। पिक पॉकेट है या डकैती के लोग हैं? अरे पता नहीं, लेकिन बॉम्बे जाना कंफर्म हो गया है हमारा। सर ये कार आपकी मेरे है क्या? पास बहुत सी कार है, सारे घर में कार ही भरी हुई है। भाई हाँ। आप जितना भी खर्चा करेंगे ना हमारे ऊपर, हाँ। एक एक पैसे का हिसाब रखिएगा। हाँ। हम बॉम्बे पहुंच के आपकी एक एक पाई चुका देंगे हम। मैं ले लूंगा, क्या बात है, मुंबई घूमकर देखने के लिए आए हो? खरीद के ले जाने के लिए। आप तो बेटर है, बोलिए सर बोलिए। अब तो हो गया। एक बात बोलूं क्या, यहाँ चोर ज्यादा है? पिक पॉकेट है या डकैती के लोग? अरे डकैती का क्या है सर, वो अच्छे ही है, पिक पॉकेट की हरकतें ही करते हैं सर, वो अच्छे लोग नहीं है। इतनी मेहनत करके एक मर्द के पर्स को चुराते हैं, और उस मर्द के पर्स में इतने मोटे मोटे कॉन्डोम के पैकेट होते हैं और कुछ नहीं होता है सर। किसी लड़की के पर्स को चुराया तो उसमें नमकीन बिस्किट सेफ्टी पिन वगैरह सब मिलता है सर, क्या बोलते हो सर? भाई ऐसा लगता है कि ये तो चोरों को भी पीछे छोड़ दिया है। बस मेरा एक्सपीरियंस है सर। ये तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला। अच्छा मुंबई यहाँ से कितनी दूर है? आ जाएगा सर। तो अभी यहाँ क्या कर रहे थे तुम? टॉयलेट के लिए आया था सर। तो फिर हो गया? हाँ हो गया सर। सर आप भी बच्चों की तरह कर रहे हैं। भाई ये वैसे ये है क्या? ये तो शंख है सर। अबे रुक जा, इतने टेंशन में ये सब करना जरूरी है क्या? अरे भाई टेंशन में मुंबई कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए तो मैं बजा रहा हूँ, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगी। कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू सर। भाई डेस्टिनेशन पे पहुंचने का मजा नहीं है, ट्रैवल का मजा है, इसलिए ट्रैवल का मजा लो। हाँ सही बोल रहे सर। थैंक यू। इसमें कुछ गाने हैं क्या? हाँ इसमें है ना। सुपर सर, मुझे डांस करना है। हाँ आपका भाई उधर ही है ना सर? है, आप चिंता मत करो, है। भैया इस आईडिया ऑफिस में डॉलर्स देकर लेने का ऑफर है क्या? अरे बैग के साथ साथ सूटकेस पे भी ऑफर है, तू यही रुक, मैं आता हूँ। सिली फेलो, डॉलर्स के बैग को इधर ही छोड़ के छोटे बैग को लेकर गया है। कैसा आदमी है, लेकिन भगवान ये तो अच्छा हुआ, मेरा आइडिया मेरी जिंदगी को बदलता है कि नहीं, लेकिन इनका आइडिया मेरी जिंदगी को बदल देता है। मैडम वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन। हेलो I'm Shiva. Shiva 24/7. AP Police. This is my colleague, Robin Hood Raja. Hey, no formalities. Sit down. मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर मैं आईडी दिखाऊं क्या? नो सर, नो सर। गुड, एक क्रिमिनल है जिसके बारे में हमें छोटा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सिम कार्ड, इस सिम कार्ड पे जो एड्रेस है वो हमें निकाल के दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट नाउ। थैंक यू। देखा कैसा गेम खेला मैंने? ये मैनेजमेंट नहीं है जो स्पॉइल करूंगा, और वैसे भी इसमें तूने क्या उखाड़ा?
उसको सिर्फ तेलुगु आती थी। फ्लैट नंबर 301 पकड़ते साले। इस बार उसको मिलने दे, पुलिस कैसा मारती है पता पड़ेगा। चांस है तुम्हारे लिए, मिठाई रखा है, आराम से बैठ के एंजॉय करो। अभी तक वो यहीं था, सिगरेट की स्मेल भी आ रही है, हमारे आने से पहले भाग गया। लगता है हम पे नजर रख रहा है वो। इतने कम टाइम में यहां से निकल गया, मतलब यहीं कहीं होगा वो। दीवाल के ऊपर फोन नंबर लिख के आया हूं, वो तुम्हें जरूर फोन करेगा। वो प्रोफेशनल चोर नहीं है, इजीली पकड़ा जाएगा। ये तो मुझसे ही बड़े भिखारी निकले। 25 करोड़ मिलेगा, मैं एक्साइटमेंट में सपने देख रहा था। वेस्ट हो गया, चल निकलो यहां से। से मिले बिना, इनसे नहीं मिलता ना और खर्च नहीं करता तो एक महीने आराम से मेरा खर्चा निकल जाता। 50 लाख की कीमती वाली शंख है वो, मुर्गी जैसा। अगर वो मेरे हाथ में मिल गया तो काट के फेंक दूंगा मैं। ठहरो आता हूँ। अरे जाओ, अरे साइड में जाओ। ए, दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे क्यों इस तरह हॉर्न बजा रहा है? दिमाग नहीं है क्या? पागल हो गया है क्या? आंखें नहीं है तेरी? इतना बड़ा रास्ता है जो दिखाई नहीं देता, तुझे हॉर्न बजाया जा रहा है? नहीं वो क्या नहीं, पागल हो गया है क्या? तेरी माँ की मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? तेरी माँ की, उसकी माँ की, उसकी माँ की, उसकी दादी माँ, वहां क्या देख रहा है? ये खींच कर दूंगा ना। मैटर मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो। अरे कहाँ जा रहे हो कम वक्त? तुझे तुम्हें, अरे उतरो 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 उतरो, सो रहा है, सो रहा है। अरे तेरी वजह से मैं मेंटल बनके रोड पे मैं घूम रहा हूँ। 25 लाख के शंख को खो जाने के बावजूद रोड में कुत्ते जैसा, पागल कुत्ते लोगों की गालियां सुन रहा हूँ। जितनी गालियां दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम सो रहो, सो रहो, सो रहो। एक चांस दे दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे गालियां दिया वो कमबख्त को, बोला ना नहीं होगी ऐसी गलती। लास्ट चांस है वे, नहीं तो ये स्वीट तेरे लिए ही है, साथ में रख के गुजार लो। क्या बात है भाई, उसने आपको इतनी गाली दी? जब उसने मुझे गाली दिया था तुम्हें क्या हो गया था? मुझे लगा वो आपका रिश्तेदार है। अरे वो रिश्तेदार नहीं है, इस बार अगर वो दिखाई दिया तो मैं मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई। हाँ अरे चुपचाप ढूंढना छोड़ के इधर ही घूम रहा है क्या वे? ए, किधर है तू? तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, आजा। मुझे वो पैसे चाहिए। हे भाई, इधर कहीं आसपास है, किधर? चलो
जिलेबी? अरे मेरे लिए इतना दूर आओगी सोचा नहीं था। मैंने भी बहुत ट्राई किया, तुम्हारी बहुत याद आती है। ए, उसे पकड़ना था ना? हाँ, तू जाके पकड़ना उसको। जिलेबी। हाय। पकौड़े नहीं है क्या? ये नया ट्रैक है क्या? नहीं नहीं, पुराना है। अभी रिन्यू हुआ है। एनी प्रॉब्लम? ना ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए, उसको पकड़ने जाना है। हम शाम को मिले क्या? हाँ। अपना नंबर बताओ। 9441-2341-456। अच्छा, जॉब मिलने की खुशी में मैं पार्टी दे रही हूँ, तुम आओगे ना? प्रॉमिस 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 मिलेंगे प्रॉमिस। हाय बिंदु। हाय आनंद। वैसे तुम ट्रीट बोलकर बुलाई थी, एनीथिंग स्पेशल? वेरी स्पेशल, मेरी फ्रेंड। हाय राजा। ए रुक, मैं बाद में मिलता हूँ। आनंद ए रुक। आप सीधे सीधे बता दे पैसा कहाँ है, वरना अभी खोल के डुबा दूंगा। मेरे पास है लेकिन नहीं दूंगा। नहीं देगा तो जान से जाएगा तू। ये रुको, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं होगा तुमको। तेरे लिए तो वो पैसा है, हमारे लिए लाइफ है। ए, वो पैसे दे दे। नहीं दूंगा, ये मेरे लिए भी लाइफ है। अरे ये बच्चों की तरह चॉकलेट देके फुसलाने का कोई फायदा नहीं है, इस साले को तो अभी यही मार देता हूँ। रुक, मजा चखाता हूँ। मर कर भी नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ए, मर जाएगा बे। मरने से भी चलेगा, नहीं दूंगा। अगर वो पैसा दे दिया तो मैं मर जाऊंगा। मार दो, तुम्हारी लाइफ के लिए पैसा जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी है। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे हमारे बीच मैच हो गया था, ऐसा बोल रही थी। आनंद, बी प्रैक्टिकल। इज इन US, तुझसे भी अच्छा पैकेज है यार। तो फिर हम हमारा प्यार? प्यार में क्या रखा है यार, प्यार तो कभी भी हो सकता है, पर अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है। तेरे बिना मैं नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। भेजे में कुछ नहीं है क्या? अगर छोड़ दिया होता तो तुम मर गई होती। प्यार नहीं मिला तो क्या, इसके लिए सुसाइड कर लोगी? सिर्फ वो नहीं है, कमी हमारे अंदर नहीं है, हमें जीना होगा उन्हें दिखाने के लिए। चलो। थैंक्स। अरे थैंक तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, सच बोलूं तो तुमने मुझे बचाया है। सुबह सुबह? अरे आइसक्रीम सुबह ही खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए? किसी डॉक्टर ने कहा है क्या? जब खाने का मन करो तब खा लो, किसी के बारे में सोचो मत। वो क्या है कि ऑफिस प्रोजेक्ट फाइनेंस है। आज बंक मारो, थोड़ा मजा करेंगे। नाम क्या है? आनंद। अमूल्य। आनंद। ए अमूल्य। ओ ए, मिल गई मिल गई मिल गई। ए दे 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 दे, उसको निकालो।
का नाम रखेंगे क्या? मछली। ए, इंसान को ऐसे बुलाते हैं क्या? बोलो। पपी। ए, ऐसे तो डॉग को बुलाते हैं। अमूल्य, क्यूट लग रहा है ना? अमूल्य, बाय बाय। ये देख आइटम हमारे लिए भाई। क्या गजब माल है भाई। अरे मस्त लग रही है। ये एक मिनट। देखा तूने? तेरी हीरोइन आ रही है, साथ में हीरो भी है। ए, अभी जिसने कमेंट पास किया वो तू है ना? मैं हूँ। हाँ बोलना। और मेजरमेंट बोल के आतिका खंडाला तू नहीं बोला ना? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। ए, मैंने बोला। तू है क्या? लड़की को जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो मर्द हैं और जो कमेंट करते हैं वो लफंगे हैं। ये किस चीज का धमाका हुआ है यार? क्या भागता है? तू ब्रूसली है क्या? नहीं। तो करंट लगे वैसे तू क्यों भागा वहाँ से? मर्द की तरह मारना चाहिए था, लेकिन ठीक है चलता है। अभी हैप्पी है ना? Yes. इस तरह की छोटी छोटी बातों में इतनी खुशी मिलती है आज पता चला। मेरी लाइफ में कभी भी इतना खुश नहीं था। अगर उस दिन तुमने सुसाइड कर लिया होता तो आज ये खुशी तुम्हें कहाँ से मिलती? उस दिन तुम दोनों के बीच का झगड़ा मैंने देखा था। ये तो लवर्स के बीच में होने वाला झगड़ा है ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन उस वक्त तुम किसी की नहीं सुनते, इसलिए मैंने रिवर्स टेक्निक का प्लान किया। अरे उस दिन तुम मेरी जान को बचाई थी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो ये मुझे आज पता चला।
Will you marry me? आनंद, तुमने लिखी हुई कविता बहुत प्यारी है। तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा ट्रीटमेंट, तुम्हारी फ्रेंडशिप, टोटली यू आर सो क्यूट। इधर ही छोड़ देते हैं। गुड बाय। अब मेरी गलती क्या है? क्या हुआ? मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ। चलो मालिनी, आज तुम जस्ट मजे करने के लिए और घूमने के लिए चाहिए। शादी किसी और से करोगी? मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं पागल हूँ? अब मेरी गलती क्या है? तुम्हें तो जरा भी रहम भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पत्थर हो गई। उसे क्यों बंद किया? क्या है वहां? कुछ नहीं। बोलो। कुछ नहीं। प्लीज यहां से चले जाओ। क्या छुपा रही हो? प्लीज चले जाओ। ये सब क्या है? बोलो, क्यों ले रही हो ये सब? बोलो। लंबी उम्र जीने की आशा देकर कुछ ही पल दिए मुझे भगवान ने जीने के लिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जो वक्त है उसे खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुझे सेव करने के लिए तुझे छोड़ रही हूँ मैं। ये जानते हुए कि मैं मरने वाली हूँ, ये जानकर भी मैं तुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ बोल, बहुत रोना आ रहा है मुझे। जिंदगी को बचा लेने के लिए भी दिल कर रहा है, तुझे एक बार गले लगाने का दिल कर रहा है। अमूल्य, मैं मरने नहीं दूंगा। चुप रहो। अमूल्य, 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 हे अमूल्य, हे अमूल्य। आनंद, उसके ब्रेन में ट्यूमर है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह साइज बढ़ा तो उसके ब्रेन के सिस्टम को ब्लॉक कर देगा। ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो भी रुक जाएगा। सर्जरी किया तो बचने का चांस है। इसी एक महीने के अंदर सर्जरी करानी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं तुरंत पैसे के पीछे भाग गया। फ्रेंड्स, पहचाने वाले जो थे, आईटी वाले कर्मचारी के साथ किधर भी कोशिश करने से पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। आखिर में कंडा नगर में रहने वाले मेरे फ्रेंड्स के पास जब पूछने के लिए मैं गया था तो तुम्हें उस रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाते हुए देखा था। उसके बाद तुम्हें फॉलो किया। वैसे उस लड़की को प्रॉब्लम है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा है ना? स्टोरी में बहुत चेंजेस है तेरी तो। तू जाके उसको श्रद्धांजलि दे और जाके बढ़िया सा एक गाना गा उसके लिए। ठीक है, ऑपरेशन के लिए जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। लो, इसके अंदर का इंसान फिर से जाग गया। पता नहीं अंदर से आदमी की औरत। अच्छा है, देखते क्या होता है। अरे मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे ऊपर निकालो भाई। ए, ऊपर खींचो। ए, तू हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? तू ऐसी जगह पे लेके आया हमें? अरे घर में इतना पैसा रखना सेफ नहीं है, उसके लिए सेलर में जो गाड़ी वहां पर रखा हूं। क्या रे, उल्टा लटका है इसलिए दिमाग खराब हो गया? गाड़ी कहाँ पार्क किया था भूल गया? अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया बता मुझे। गाड़ी गायब हो गई है। पहेलियां मत बुझा, सच सच बता पैसे कहाँ है। मुझे इस पे पहले से डाउट था। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जो बोला वो पैसे दे दे, सच बोल यार। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मार क्यों रहा है? Oh, 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 oh,
मार दो, मार दो। लाइफ में पहली बार मैंने चोरी की है, वो भी बहुत जरूरी है। कल ही सर्जरी है, कल 6 बजे से पहले मुझे वहां पैसा लेकर पहुंचना होगा। मार दो, मार दो। ए, ए, रुक, ए, रुक। वो झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है वो। इसकी कार कहां चली गई? अरे देखो कैसे बेहोश होकर सो रही है। चलो बड़ा टली। हे हे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हे कहाँ भाग रहे हो? हे रुको, यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, अभी से खोलता हूँ। खुल जाओ। शाबाश, मानना पड़ेगा, हम एकदम बढ़िया सूटकेस से लाइफ सेट हो जाएगी। देखो कैसे सो रही है। पुलिस आ गई, भागो। ए, किधर जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? इनसाइड इनसाइड। पोल्यूशन? अभी है फोन में। लाइसेंस? लाइसेंस है वो गाड़ी में। वो लड़की कौन? माय वाइफ, फुली ड्रंक, ओवरलोड, टेकिंग होम, प्लीज। ओके ओके, ठीक है, जाओ। आई लव यू, बाय। पप्पू भाई, नमस्ते पप्पू। हाँ नमस्ते। अरे क्या बात है, पैर पे गिर गया? हाँ हमारा ओनली बिजनेस, ये प्यार व्यार में झुकना इधर नहीं चलेगा। पैसे वैसे लेकर आया? वो डब्बू कहना ठीक से पूछने में समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? तुमने बोला था बन बन में दे रहा हूँ, मार डालूंगा बे। क्या है ये? क्या है रे, आवाज उठाता है? ये MLA है, बड़ा आदमी है ना। सॉरी बोल। सॉरी। हाँ देखो MLA, हमारा शेड्यूल टाइम फिक्स है, कल शाम को 6। लास्ट मिनट में भी किया तो ओके, एक सेकंड भी लेट हुआ ना तो जो तुम बना रहे हो ना उसमें बम डाल के मैं उड़ा दूंगा और मेरी साइट भी ले लूंगा, और जो तुमने दिया उस 75 करोड़ में से एक भी नहीं दूंगा। क्यों रे, सही कहा ना? निकलो, जाओ जाओ, जल्दी करो। हेलो। हेलो गुरु, कहाँ हो तुम? अर्जेंटली तुमसे मिलना है। अरे ये क्या? मौकी क्या है? हाँ? गाड़ी से टक्कर मारता है तो मैंने तुझे गाली दी इसलिए मेरी गाली ठोकता है क्या? तेरी मौकी तो ही। ओके देखो इसका चेहरा देखो, क्या बे ऐसे बेशर्मों की तरह देखे जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरी अकल किधर रहती है बे? तेरा दिमाग घुटने में है क्या? है पागल हो गया है? कुछ भी करे जा रहा है, ये शूटिंग वाला सूट पहन के तू अपने आप को ज्यादा हीरो समझ रहा है क्या? तेरी तो माँ की, मैं खींच कर दूंगा ना तुझे। मुझसे भिड़ रहा है तू, मुझसे भिड़ रहा है, तेरी तो बताओ तुझे। बाप रे, माँ कसम पहले ये गाली नहीं सुनी। मुंह बंद कर, ज्यादा बात। ठीक है ठीक है, चाहिए तो पैसा मेरे पास भी, उधर भी पैसा, इधर दे पर्स पूरा दे मुझे, इधर वो पूरा है। अब चुप, ढंग से मार दूंगा मैं तेरे। तेरी तो पकड़ इसे, जहां रखना वहां रख। अरे कौन है ये? सारा पैसा मिल गया। अरे कौन है ये? किसी से नहीं डरता मैं, इससे मैं डरता हूं बोले तो। लगता है हम दोनों के बीच में कुछ गहरा संबंध है।
अबे मुर्दे कहीं के, आज तो तू मर गया रे। अबे जा, अबे आ जा। ना ना कहीं के, तेरी वजह से वो लड़का गंदा गंदा गाली देकर गया मुझे। तुम नींद में सो रहे हो? उसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? और मुझसे पूछ रहे हो ये न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन? जूता जब याद हो जाला रे, चैन कदर खो जाला रे। हाँ, जूता जब याद हो जाला रे, चैन कदर खो जाला रे। सावन जैसे बरसे अखिया जगले भी दिल मुर्दिन रतिया, सावन जैसे बरसे अखिया जगले भी दिल मुर्दिन रतिया। तीर दिल के पार हो जाला रे, छैन करार खो जाला रे। हाँ, जूता जब याद हो जाला रे, छैना कदर खो जाला रे। साथ सनम से छूटेला शीशा जैसन दिल टूटेला, जब प्यार के रोग पकड़ लेला दुनिया में केहू न पूछेला। अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा। अदालत लगी हो भले ही तेरे मोहल्ले में, पर गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा। पनिशा पनिशा मा पधानिशा ने मा पधानिशा, जब साथ सनम से छूटेला शीशा जैसन दिल टूटेला, जब प्यार के रोग पकड़ लेला दुनिया में केहू न पूछेला। सुना संसार हो जाला रे, चैन कदर खो जाला रे। हाँ, जूता जब याद हो जाला रे, चैन कदर खो जाला रे। पता नहीं चलेगा, एहसास नहीं सर्जरी से ये कसम को अमन का ध्यान रखो। प्यार से हमारा डर लागे, टूटल जाता रिश्ते नाते, छब दाग लगेला दामन पे दुनिया पीछे पीछे भागे। कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते, कहने की क्या जरूरत थी इशारों में ही समझा देते। आगे दूर जाने की क्या जरूरत थी, पास रह के ही रुला देते, पास रह कर ही रुला देते। सागर सागर समा पधानी सानी मा पधानी सा, अब प्यार से हमारा डर लागे, टूटल जाता रिश्ते नाते, जब दाग लगे ला दामन पे दुनिया पीछे पीछे भागे। मोनिस के कुछ न बुझाला रे, छैना कदर खो जाला रे। हाँ, जूता जब याद हो जाला रे, छैना कदर खो जाला रे। हाँ,
अब इसको कैसे संभालूं? ये वही है ये गाड़ी रोक पकड़ो इसको, आने मत देना इसको, पकड़ो साले को। क्लाइमेक्स से जितनी एनर्जी चाहिए ले लो, चलो चलो। रुको, अरे ये कौन है, ये किसके टीम का है ये? अबे तू लोगों के साथ में नहीं है तो गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहा है? अरे उसके नहीं भाग रहा है, गाड़ी मेरी है। अबे तू गाड़ी के पीछे भाग रहा है और हम लोग गाड़ी के अंदर जो उनके पीछे भाग रहे हैं, दोनों को पकड़ना है। पकड़ो सालों को। ए रुको। हेलो कैसे हो सर आप? हमसे पूछता हम कैसे है, हमारा पैसा चुरा के? वो नहीं सर, जो आपके ऊपर रास्ते में खर्चा किया था उसने कुछ तो झोल कर दिया, इस तरह के काम को कर दिया। कप का इस्तेमाल किया गया, अंडरवियर बनियान। ये कौन है, तेरी आइटम है क्या? सर वो क्या है कि सूट कैसे सर, मतलब मेरी वाली है सर, ज्यादा पी रखी है, घर के पास ड्रॉप करके सोचा कि थोड़ा सा ऐसा काम कर दिया। ये आवाज कहां से आ रही है? फोन। हेलो मैडम, अभी थोड़ी बिजी है, बाद में कॉल करना। ओके बाय, आई लव यू। फोन पे भी आई लव यू बोलता है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी बेबी, एक्सक्यूज मी सर। सर हेलो सर। सर वैसे वो लोग जो चेस कर रहे थे वो कौन है? नहीं, फिल्म की शूटिंग चल रही है, प्रकाश राज और महेश बाबू के साथ। तो फिर लड़की कौन है सर? तू बंद नहीं रहता है तेरा। मैंने तो ऐसे ही पूछा सर। अरे वो सफेद गैंग उस तरफ चला गया, चलो। हे, वो जो गाड़ी इधर आई थी वो किधर गई? क्या हुआ? अरे वो कार मेरी है, उसमें 25 करोड़ रुपए है, जल्दी बताओ किधर गई। अरे बाहर उतर। अरे मेरी हाइट के सामने तुम बहुत छोटे हो, मेरी गाड़ी को बार बार टक्कर मार रहे हो, तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कांग्रेचुलेशन सर, क्या करोगे सर? अरे गाली दूंगा, गंदी गंदी गाली दूंगा। क्या खा रहे हो? रे खाना खा रहे हो या गुटखा खा रहे हो? मिट्टी में मिल जाओगे भी, तुमको मिटा दूंगा। थू तेरी माँ की, तू सर्वनाश हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, तू किसी काम के लायक नहीं रहोगे, तुझे तो लात मार मार के मिट्टी में मिला दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। कैसी जिंदगी है तेरी, नालायक कहीं के, तू इतना छोटा है और इतनी बड़ी बड़ी गाली दे रहा है। गाली तो आप दे रहे हो। मारूंगा 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 मारूंगा। भैया चलो हटो। क्या है रे? मेरे पास से जिसने शंख चुराया था वो यही है। अबे तुम मेरे शंख को चुराए हो, और जब भी मैं दिखता हूं तो तुम मुझे गाली देकर भगा देते हो। गाली।
सैंक बैग कहाँ है? वो राजा ने चुरा लिए सर। ये राजा कौन है? अरे उस लेडी ने बोला था ना 25 करोड़, जिसने चुराया था वही राजा है भाई। आराम से बोलोगे? उस 25 करोड़ के बैग को छोड़ के छोटा बैग चुरा लिया था क्या मैंने? शिट यार, तू जब भी देखता हूँ बार बार तेरे चेहरे पर पूरा ब्लड भर गया है। मार डालूंगा तेरी जिंदगी पत्थर बनाकर रख दूंगा। अरे वहाँ तुम्हारा माइंड बॉस कौन है? सर मैं खुद को ही गाली दे रहा था सर। अरे मेरा शंख मुझे मिलने तक तू और ये तुम्हारी ब्यूटी मेरे पास रहेगी। दोनों चाहिए। दोनों बैठो, चलो अंदर चलो। ए पीछे से बैठो। ठीक है सर। बैठो भाई, अंदर बैठो। आप आगे बैठिए सर। अरे कौन है ये ब्यूटी? ये बच्ची मेरी वाइफ है सर। नाइस। वैसे इतना बैलेंस होते हुए भी साइलेंट में बैठी है क्यों? मतलब ओवर एक्टिंग की है सर, ओवरलोड हो गया है, दैट्स व्हाई स्लीपिंग सर। दारू की आदत है क्या? फैमिली टेंशन। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बस सर गला सूख रहा है, मुझे प्यास लगी है, पानी है क्या सर? चुप। नो प्रॉब्लम सर। सर क्या है? जाना है। नॉनसेंस। मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम जाकर आ जाओ। सर, अच्छे से तुम टाइम निकाल कर आना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। फिर डिस्टर्ब मत करना। नहीं सर। जाओ जाओ जाओ। अरे क्या है, रोड के ऊपर करो ना। इधर सर, इधर। अच्छे से अंदर जाओ। चलो जान बच गई, लाश के साथ साथ इस दरिंदे से भी मैं बच गया। शंख के चलते ही मोती मिल गया, पवित्र मोती। तू ग्रेट है जॉली, तुझे कोई नहीं हरा सकता। आजा आजा, इस चाकू से बड़े बड़े की जान ली है मैंने, बेकार में अपनी जिंदगी मत गवाओ। पैसा किधर है बोलो, जल्दी बोलो, पैसा किधर है बोलो, बोलो जल्दी बोलो ना। कार किधर है? आप मैन हैंडलिंग करते हो, मैं फिर से मिलता हूँ। इधर कार कहाँ है बता? क्या हो गया? अच्छा वो वाली कार। वो मुझे छोड़ के मैं बीवी के साथ। ओके आई विल मीट यू। उस कार की वैल्यू कितनी है पता है तुझे? कुछ नहीं पता है। निकल यहाँ से। उस कार की वैल्यू 25 करोड़ रुपए है। 25 करोड़ उस कार में है क्या? इसका मतलब मैंने जो छोड़ा वो दरिंदा नहीं, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी। मेरी इस 48 साल की उम्र में मैंने कभी भी लेडीज को देखकर नहीं गिरने वाला हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम। हार्ट्स में बेल्स रिंगिंग स्टार्ट हो गया है। तुझे मेरे पास ही रहना होगा। उसके पास क्या है? खटारा गाड़ी, 3 फीट की हाइट, घटिया दाढ़ी। डार्लिंग तुझे मेरे साथ ही रहना चाहिए, रह जाओगी ना डार्लिंग? मैं समझ गया। हाँ बोल रहे। 25 करोड़? नहीं नहीं, 25 करोड़ 50 लाख। आ जाओ फॉलो में। अरे 25 करोड़ नहीं दिया तो लड़की को मारने की धमकी दे रहा है, ऐसा रैकेट मैंने किसी भी फिल्म में नहीं देखा। अरे रुक रुक। अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। अरे किधर है वो लोग, कहाँ जा रहे हैं? इसको पकड़ के अंदर बैठाओ। उधर उधर, इन दोनों को पकड़ लिया है, दोनों को तो पकड़ लिया है, अब उसको पकड़ना है। माया 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 माया।
उसके गले से चक्कू नहीं हटाया तो तेरे साथ क्या होगा तू जानता भी नहीं है। तेरे हलक में हाथ डाल के तेरे प्राण निकाल लूंगा। मैंने ही पैसा लिया है, मैंने ही पैसा छुपाया है। तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बात कर। उस लड़की को तू जाने दे, अगर उसको कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को मार लूंगा। ऐसा मत कर, ए रुक जा, ऐसा मत कर। लड़की जा जा जा। ए, अपने आदमियों को बोलो कि हथियार नीचे करे। ए, हथियार नीचे डालो, नीचे डालो। अभी बोल साले, मेरे 25 करोड़ किधर है? वो 25 करोड़ उसी कार में है जहाँ गुरुनाथ बैठा है, गुरुनाथ के पास। मेरे साथ तू गेम करेगा, बेवकूफ समझा है? 1 रुपया के लिए मर्डर किया है मैंने, छोटी छोटी चोरी करके एमएलए बना हूं मैं, आज इस जगह पहुंचा हूं, पूरे 100 करोड़ का होटल बांध रहा हूं मैं, 25 करोड़ मेरे चुरा करके साले मेरे साथ गेम करेगा तू? क्या बात है डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए बोलो? ताजमहल के जैसा तू ज्योति महल बनवाने बोल रही हो ना? हाँ बोलो ना डार्लिंग, अगर तुम नहीं उठे तो नहीं उतरेगा। अरे डालो। अरे टीवी में तुम्हारी भाभी है। अरे देखो देखो ना, अरे देखो तेरी भाभी टीवी में। भारत के इंटेलिजेंट ऑफिसर श्रीमती ज्योति पिछले 3 दिनों से गायब हैं। खबर आई है कि उन्हें किसी ने किडनैप किया है, इंटरपोल के जरिए छानबीन शुरू है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले 100 पर फोन करें। लाश है ये, लाश। अभी तक मैंने लाश के साथ रोमांस किया है क्या? अरे बाप रे, 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 रे। अरे ये, 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 बॉडी को लेकर जाओ। अरे रुको रुको, अरे बॉडी को गाड़े मत। जिस गाड़ी में मिली थी उस गाड़ी में बैठा के पेट्रोल डाल के जला दो, कोई एविडेंस नहीं मिलना चाहिए। हाँ हाँ, होशियारी से लेकर जाओ, ये पुलिस ऑफिसर की लाश है। ज्योति ज्योति ज्योति। एक 100 साल का पीस रहा तो मर्डर करने में कोई गलती नहीं है, वही हमारा बिजनेस है। नमस्ते सर, मैं बाद में फोन करूं। मेरी वाइफ को जिस गाड़ी में लेके गए हो अगर वो गाड़ी दे दी तो मैं चला जाऊंगा सर। ए, इसे भी बांध दो। नहीं सर रहने दो, आपको चाहिए तो मेरी वाइफ रख लीजिए, मेरी कार को मुझे दे दीजिए सर, मैं चला जाऊंगा प्लीज। मैं तुम्हारी वाइफ को रख लेता हूं और तुम कार कर लेकर चले जाओ। वो लाश है, लाश, एक लेडी सीबीआई ऑफिसर की लाश है वो। उस पुलिस ऑफिसर के साथ हाथ लग गया तो जिंदगी भर मैं पुलिस स्टेशन में घास काटता रहूंगा। इंग्लिश झाड़ते हो तुम, वहां रहो। इसे भी पकड़ के बांधो, इसे भी साथ में बैठा कर खूब मारो। मैं मामूली आदमी नहीं हूं, मैं किसी भी सबूत को छोड़ने वाला नहीं। मैं बॉडी को कार में डाल के अच्छे से जला दो, मैंने बोल दिया है। अरे ये क्या है, सिनेमा के गाने का ये तो कोरस लग रहा है। अरे उस कार की वैल्यू 25 करोड़ है। 25 करोड़ उस कार में? अरे बाप रे बाप, 25 करोड़। अरे मैं फोन लगाता हूँ, आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है ये। अरे तुम लोग भी ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करते रहो, 25 करोड़ की बात है। अरे अरे फोन नहीं लग रहा है, 1 लाख 2 लाख थोड़े ही है, 25 करोड़। अरे चलो रे निकलो। अबे रस्से तो खोल के जाते हैं ये लोग।
हेलो। अबे पोते, हम जो बोले थे एमएलए को देने के लिए उस कार में 25 करोड़ है, समझ गया? वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसे लाश के साथ जलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हमें वो पैसा एमएलए के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, गाड़ी चलाकर राख होने तक उधर ही रहने का। वो 25 करोड़ जलकर राख होगा तो ही एमएलए ने जो दिया है 75 करोड़ मिलेगा। जाओ, वो 75 करोड़ हमारा है। अपना अच्छा टाइम आने वाला है, समझ गए ना? हेलो। हाँ एमएलए साहब। वो 25 करोड़ मेरे पैसे हैं। मेरा पैसे इन्हें लौटाना ही होगा, हर हाल में लौटाना होगा। अरे कोई है क्या? थैंक यू सो मच, मैं जानता हूँ तुम अच्छे आदमी हो, मैं निकलता हूँ। अरे रे रे, बाप रे बाप। अरे वो हमारे हाथ लगने से पहले इधर आ गए। अरे पैसा पूरा चल रहा है सर। अरे अरे वो आग को बुझाओ, बुझाओ उसको आग को। ए बुझाओ आग को। अब कोई नहीं बच के जाएगा यहाँ से। अभी देख। झगड़े से तो मेरा कोई मतलब नहीं है। Ha 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 ha
अरे वो 75 करोड़ अब हमारा है। ए राजा, इन सब की वजह से धोखा खाने वाला सिर्फ तू नहीं है, मेरे पापा भी हैं। हाँ माँ, घर आ रहा है ना बेटा? घर ही आ रहा हूँ माँ। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके, टेक केयर। थैंक यू। ओए, शादी कर लेंगे क्या? शिवा, ऑपरेशन सक्सेस, ये बात राजा को भी बोल देना। और वो किधर है अभी? शंख के पैसे से आनंद जिस लड़की से प्यार करता था, उसने उस लड़की का ऑपरेशन करा दिया। उस 25 करोड़ को लेकर शिवा के पिता के ऊपर जो कलंक था वो तो निकल गया, लेकिन मैं मेरे गांव वालों के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? करोड़ों रुपए कोई तो चुरा के लेके गया है, क्या करेंगे अभी? गवर्नमेंट इंक्वायरी रखी है, देखते हैं क्या होता है। तो हमें जो मिलना था उस पैसे का क्या? तुम लोगों का पैसा? वो हमें मिलेगा, हमारे पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। अगर कहीं मिल भी गया, एमपी के लिए, मिनिस्टर के लिए, एमएलए के लिए और लोकल लीडर्स को भी, इन सबका निकालने के बाद इतना बचेगा। इस बीच में आप सब लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे, गरीबों की जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। ये गांव वाले ही एकमात्र भरोसे का सहारा है। एक अनाथ बच्चों की तरह इस गांव वालों ने मुझे पाला है। इस गांव के हर माँ के हाथ से मैंने खाना खाया है। मेरे बदन में बहने वाले खून की बूंद बूंद पर इन गांव वालों का अधिकार है। बचपन में कादर दादा ने मुझे जो कहानी सुनाई थी, उस कहानी में रॉबिनहुड अमीरों का पैसा चुरा कर गरीबों की मदद करता है। मैं अब इतना बचेगा, इस बीच में आप सब लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे, गरीबों की जिंदगी कभी नहीं सुधरेगी। वो करोड़ रुपया मिल गया है सर। जग में माया हमारा पैसा है। hey, इस तरह के और कितने गांव हैं?